दूसरा बेड लगा हुआ है इस साइड, तो ये पूरा इसके अंदर लाइटिंग के लिए, पर वो देश अपना और ये देश पराया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आप लोगों का सवाल होता है कि आपका रूम कहाँ है और आपको रूम कैसा मिला है और आप अपना वीडियो किस तरह से शूट करते हो और आपके स्टूडियो कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना रूम और अपने रूम के अंदर मैं क्या क्या डेकोरेट कर रखा हूँ वीडियो शूट करने के लिए और किस तरह से वीडियो शूट करता हूँ और किस तरह से मैं रहता हूँ, रहने की मुझे क्या व्यवस्था है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में शेयर करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। आप पीछे देख रहे हैं एक मस्जिद है यहाँ पे, और ये छोटा मस्जिद है, ये जुमा मस्जिद नहीं है। और इस साइड ये आप देख रहे हैं कि ये रूम है और ये मेरा रूम है। इस रूम के अंदर चलते हैं, और जो ये रूम है मेरा, ये टू रूम सेट है, इसके अंदर हम तीन बंदे रहते हैं। तो ये मैं पहुँच गया हूँ दरवाजे पर और ये अंदर एंट्री कर गया हूँ। और एंट्री करते ही ये सामने आप देख रहे हैं ये टेबल है और ये बर्तन धोने का व्यवस्था इधर है, और सामने एक शीशा है और ये सामने एक पर्दा लगा हुआ है, और ये नीचे बर्तन है और भी सारा सामान है। ये बाथरूम अटैच है, उसके बाद ये टेबल रखे हुए हैं, इसके ऊपर खाना बनता है, और नीचे ये पानी वगैरह रखने के लिए पानी की कार्टून है जिससे हम लोग पानी पीते हैं। और ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे होंगे, ये देसी ब्रेड, ये तो खैर हर जगह पर मिलेगा। और ये साथ में एक गन भी है, मतलब ये लाइटर है। और ये नीचे कालीन बिछा हुआ है यहाँ पर बैठने के लिए, और एक ये बेड है, ये आप देख सकते हैं कि मच्छरदानी भी लगा हुआ है और एसी भी लगा हुआ है इस साइड। तो इस साइड एक बंदा रहता है, और मैं अंदर की तरफ ले चलता हूँ, अंदर भी एक रूम है, जो मेरा रूम है वो अंदर वाला रूम है। तो ये मैं अंदर रूम में आ गया हूँ, ये सामने एक बड़ा सा फ्रिज है, और उसके बाद एक ये बेड लगा हुआ इस साइड और दूसरा बेड लगा हुआ इस साइड। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप है इधर, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस रूम में दो बेड लगे हुए हैं, एक ये बेड है, ये एक्स्ट्रा है, और दूसरा बेड ये है जो एक बाहर बेड है, एक बंदे बाहर रहते हैं। टोटल इस वक्त हम दो बंदे प्रेजेंट है, वैसे तीन बंदे रहते हैं और एक कहीं और जाकर के सोता है। तो ये हमारा बेड है, इस बेड पे हम सोते हैं। उसके बाद ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ना, ये फ़ोन रखने का स्टैंड है, इस पर फ़ोन रखते हैं। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं, ये रिंग लाइट, ये लाइट को हमें यहाँ लगाना होता है। और उसके बाद जो हम माइक के लिए यूज़ करते हैं, ये ब्लूटूथ है, कई बार हम इस ब्लूटूथ को यूज करते हैं। और उसके बाद जो माइक है, वो माइक इस वक्त गाड़ी में रखा हुआ है। और ये आप नीचे देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा वायर लगा रखा है, ये मोबाइल चार्जिंग का, तो ये इसका, तो ये पानी गर्म करने का, ये जो है पानी गर्म करने का। और उसके बाद ये पूरा इसके अंदर लाइटिंग के लिए, और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा अलग से एक दो लाइट लगाता हूँ ताकि वीडियो की क्लियरिटी अच्छा आए। क्योंकि आप लोगों का बहुत सवाल था कि अपने रूम के बारे में दिखाओ, आप लोगों की रूम बहुत हमेशा दिखाते हो, बराबर दिखाते हो, अपना भी कुछ दिखाओ। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊं कि ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, और ये रूम इस तरह से है, और इस तरह से मैं अपनी लाइफ को काट रहा हूँ या लाइफ को गुजार रहा हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हैं। क्योंकि मैं परदेश में हूँ, अपनों से दूर हूँ, तो भाई काटना और गुजारना ही हुआ, और अपनों के साथ होते हैं तो उसे कहते हैं रहना। परदेश में जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो कहीं भी चला जाए काम करने के लिए, जब शाम होती है ना, उसे पूछो कहाँ जा रहे हो भाई, कहता है रूम पे जा रहा हूँ, ये नहीं कहता कि मैं घर पे जा रहा हूँ। क्योंकि उसे मालूम है कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा रूम है। जो हमारा घर है ना, वो इंडिया में है, यहाँ नहीं है। यहाँ हम परदेश में आए हैं, अपनों से दूर और सबसे दूर, दो पैसे के चक्कर में। यहाँ ना हमारा कोई दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना खानदान है, ना कोई नहीं है। यहाँ आने के बाद हमें फिर से एक नया घर बसाना पड़ा है, और अपना घर का पूरा सेटअप लगाना पड़ा है कि अनजान जगह पे आया हूँ, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो कैसा आदमी होगा, उनसे किस तरह से इंसान को दोस्ती रखना चाहिए। तो यही है, जैसे कि आप लोगों को बहुत से सवाल होता है, एक छोटा सा मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे जो देसी भाषा में है ना, राजस्थान साइड बोला जाता है पधारो मारो देश, तो इसका मतलब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, सोचा जाए तो। क्योंकि रेत वहाँ भी है, वही रेत यहाँ भी है, ऊँट वहाँ भी है, वही ऊँट यहाँ भी है, पर वो देश अपना और ये देश पराया,
ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। यहाँ हम आए हैं धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, पैसा के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि पैसे के अनेक भाषे हैं और लोगों को बोलने का और बात करने का तरीका अलग है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, छोटा सा मैं आप लोगों के लिए पूरा क्लियर तरीके से आपको बताया हूँ और दिखाया हूँ। तो आपको जैसा भी लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे मुझे में हौसला मिलता है और दिल खुश होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।